बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हम आपके साथ शेयर करते हैं तरबूज़ के छिलके की मिठाई बनाने की रेसिपी। तो चले नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि ये मज़ेदार सी मिठाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो एक तो हमें तरबूज़ के छिलके चाहिए होंगे, और इसके अलावा ये खुशक दूध ली है हमने एक प्याली, और ये हाफ़ प्याली हमने चीनी ली है, और थोड़ा सा हम इलायची का पाउडर डालेंगे, और ये तकरीबन 100 ग्राम हमने बटर लिया है। तो चले नाज़रीन, अब हम ये जो है छिलके हैं तरबूज़ के, इनके नीचे से नीचे वाला ग्रीन हिस्सा जो है वो छुरी की मदद से हम उतार लेते हैं। तो इस तरह हमने ये सारे छिलके उतार लिए नीचे से। अब हम इनको ये कद्दूकश कर लेंगे। तो ये देखना जनाब, हमने ये कद्दूकश कर लिया है। तो अब हम इनको जो है वो एक देचकी में जो है वो इनका पानी जो है वो खुश्क कर लेंगे। तो चलें देखें नाज़रीन अब हम कैसे करते हैं। तो अब हमने इसको पानी खुश्क करने के लिए रख दिया। जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता, हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे। तो नाज़रीन, आप इस तरह थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको हिलाते रहें जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो ये देखें नाज़रीन, आप थोड़ा सा पानी जो है वो खुश्क होने को है। नाज़रीन देखें, अब हमारा पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर बटर डालते हैं। बटर हमने 100 ग्राम लिया है, आप अपनी मर्ज़ी से या फिर अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा छिलके हैं तो उस हिसाब से आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो नाज़रीन, बटर डालने के बाद आप तकरीबन इसको 5-6 मिनट तक ऐसे ही बटर में भून लें। तो नाज़रीन, हमने अब इसको बटर में अच्छी तरह भून लिया है। तो अब हम इसके अंदर जो है वो चीनी ऐड करेंगे। ये हाफ प्याली हमने चीनी ली है, जो हम इसके अंदर जो है वो अभी डालते हैं। तो चीनी नाज़रीन हमने डाल दी है। अब इसको अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करते हैं चीनी को। तो नाज़रीन, चीनी डालने से यह है कि ये एक दफ़ा फिर थोड़ा सा पानी छोड़ेगा। तो हम इसको पकाएंगे। तो अब हम डालते हैं इसके अंदर इलायची पाउडर, ये हाफ चम्मच हमने दिया है, क्योंकि इलायची पाउडर डालने से खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आती है।
अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखें नाज़रीन, हम अच्छी तरह जो है वो भून लिया चीनी जो है वो तकरीबन जो उसने पानी छोड़ा था वो खुश्क होने को है। तो नाज़रीन अब हम इसके अंदर खुशक दूध जो है वो डालते हैं। खुश्क दूध को हम अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो नाज़रीन खुश्क दूध हमने डाल दिया था, तकरीबन अब 5-6 मिनट तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। तो नाज़रीन ये हमारी तरबूज के छिलके की मिठाई जो है ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको जो है वो डिश आउट करते हैं। तो नाज़रीन नीचे हम थोड़ा सा बटर लगा लेंगे प्लेट के अंदर। तो नाज़रीन अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दूसरे फैमिली मेम्बर के साथ हमारे चैनल को जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें नाज़रीन हमने इसके ऊपर बादाम लगा लिए हैं। आप बादाम के अलावा अगर कोई आपको और पसंद है पिस्ता वगैरह तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये देखें नाज़रीन हमने इस तरह बर्फ़ी की तरह इसको काट लिया टुकड़ियों में। तो ठीक है नाज़रीन, हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।